औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर था कराची बोर्ड का 28 जुलाई 2021। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और इस वीडियो लेक्चर में हम 43 MCQs का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और साथ साथ समझ रहे हैं कि ये MCQs के आंसर जो आपने लगाए हैं वो किस तरीके से आपने लगाए थे। बेटा, सवाल पूछा गया, विच पेयर ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। मेरे वो बच्चे जो पीरियोडिक टेबल याद कर चुके थे वीडियो देखकर, तो उन्होंने डायरेक्ट कार्बन और सिलिकॉन पर आंसर लगाया होगा, चूंकि वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमने एक दिन पहले एग्जाम से प्रिपरेशन के लिए वीडियो भी अपलोड की थी इसी चैनल पर, जिसमें हमने जिक्र किया था 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का। तो बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जो उसमें से भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे ये MCQ हाइड्रोडाइन एंड हीलियम एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये MCQs में मौजूद था। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली होता है बेटा ग्रुप 7A, तो इसकी बन जाती है NH2NP5। डोलोमाइट इज अ कार्बोनेट ऑफ, सर इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों मौजूद होते हैं, तो MgNCA इज द राइट आंसर। नाइट्रिक एसिड इज फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन द कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मतलब यह है कि एल्यूमिनियम सर इससे रिएक्ट नहीं करता, तभी इसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम आगे लेकर जाते हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो, HNO3 की कंसेंट्रेशन खराब ना हो। द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज कॉल्ड एज अमोनाल, ये भी बेटा 100 MCQs में स्ट्रेट MCQ मौजूद था। एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2A व्हाइल बी बिलोंग्स टू 5A, और ए जब बी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हम जानते हैं कि सर वैलेंसी स्वैप हो जाती हैं, ए की 2 है बी की 3 है, तो बन जाएगा A3B2। डायस्पोर इज एन ओर ऑफ, सर इट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एंड इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग लैगनेट इज चिलेटिंग एजेंट, EDTA पर हमने बात की थी और हमने कहा था सर इस पर किसी तरह घुमाकर MCQ पूछा जा सकता है, तो EDTA से इस तरह पूछ लिया गया, हमने हेक्साडेंटेट के लिए कहा था उसे। द फॉर्मुला ऑफ क्रोमाइटोर, वैसे हम पढ़ते हैं क्रोमाइटोर का फॉर्मुला है FeCr2O4, यहां पर ब्रेक करके लिखा हुआ है, कैलकुलेशन वही बन रही है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, EN पर तो 0 आता है, Cl2-2 है, ये -1 है, तो ये -3 हो गया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्लस का 3। द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4A, थोड़ा सा यहां पर आपको शेक करने की कोशिश की गई, मॉडल पेपर में ग्रुप 5A था तो आंसर 15 था, यहां ग्रुप 4A तो आंसर 14 है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर स्टेट इज -1/2। लिथियम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, चूंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट नहीं करता, वो वाला अगर आपने सही किया था तो ये भी सही हो जाएगा, HNO3 को एल्यूमिनियम में लेकर जाते हैं ना। द लाइगेंड विच फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, उसे हम चिलेट कहते हैं, टेक्स्ट बुक में क्लियर लफ्जों में बेटा बात लिखी हुई है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कंटेन, ये सवाल भी बेटा रिपीट हुआ हुआ है, सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ हुआ है, चूंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट को डिस्कस किया था। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फेरस आयन, सर 4 होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑन जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी फोटोन निकलता है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया सवाल को, और फोटोन क्या होता है, फोटोन विजिबल होता है। अल्कीन्स को हम पैराफीन्स भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन अगर आपको याद है तो ये इथाइन की पहली प्रिपरेशन है, तो एसिटाइलिन इज द आंसर। दिस गैस इज यूज इन वेल्डिंग, इथाइन यूज होती है सर वेल्डिंग में। Which of the following give electrophilic substitution? Foreign zen में क्या आता है, benzene। ये वाला MCQ बेटा हमने पढ़ा था, the most stable carbonium ion, tertiary ion होता है most stable। A dipolar charge, book में देखो zeutter ion के साथ dipolar भी लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको ये याद होगा। Green color chromium की वजह से आता है बेटा, हमने red color और white color वाला MCQ पढ़ा था, यहाँ green color वाला आ गया। Glucose और fructose क्या है, सर functional group isomers हैं। अब ये इतना आसान MCQ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमाइनो एसिड, और नाम में एसिड दिया हुआ है तो डायरेक्ट बच्चों ने लगा दिया होगा एस्पार्टिक एसिड। वुड स्प्रिट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक, फिनॉल में पूरे कार्बन है, बेंजीन में कार्बन होते हैं, मीथेन तो साइक्लिक होता ही नहीं है, तो अगर नहीं भी पता था तो पायरेडीन सही जवाब हो गया। द एनिमल स्टार्च इज, सर ग्लाइकोजन, ये वाला सवाल भी हमने पढ़ा था। द कंपाउंड ऑब्टेन बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, इसे बनता है फॉर्मल्डिहाइड, थोड़ा सा स्विच करके आ गया तो मिथेनॉल आ गया। अनदर नेम ऑफ फ्रक्टोज, सर उसे लिविलोज भी कहते हैं, बुक में लाइन लिखी हुई है।
बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड सर फॉर्मल्डिहाइड, ये भी पढ़ा है हमने। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब वाटर रिमूव हो रहा है तो E3 बन गया। द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनाइल ग्रुप इज SP2। पॉलीसेक्ल्डिहाइड और कीटोन, ये तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन ब्यूटाइन, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है जो रिप्लेस करके एड करेंगे, एसिडिक होता है ना अल्काइन, तो एक ही है चूंकि वन ब्यूटाइन है ना, तो कॉर्नर पर एक ही हाइड्रोजन मौजूद होगा। कुछ बच्चे समझे थे कि टोटल हाइड्रोजन पूछे तो वो तो ज्यादा थे, वो ऑप्शन में ही नहीं मिला आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सर इट इज NO2। ग्लाइकोक्सिल इज फॉर्म बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एसिटाइलीन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रीजन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये वाला सवाल वैसे एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे पेपर में, क्योंकि इसके रिएक्शन रिड्यूस हो चुके थे, ये क्वेश्चन रिड्यूस से पूछ लिया गया, लेकिन बच्चों को ये सवाल पढ़ा ही होता है, इसीलिए हम पूरा पूरा सिलेबस ही डिस्कस कर रहे थे ताकि रिड्यूस से भी कोई चीज आ जाए तो वो हम अच्छे तरीके से लिख सके। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के MCQs बिल्कुल ठीक हुए होंगे और 43 में से 40 मार्क्स वो आपके आए होंगे। इंशाल्लाह इसी चैनल पर और भी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।